आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत अभिनंदन। हम कक्षा नवी विषय गणित, गणित में पार्ट एक संख्या पद्धति में कुछ गत वीडियो में हमने कुछ पढ़ा, उसके अंदर हमने पढ़ा संख्याओं का विकास किस प्रकार से हुआ, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी उसके अनुसार संख्याओं का विकास हुआ। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं जो एक से लगाकर अनंत तक की सभी संख्याओं को लिया, नेचुरल नंबर कहलाया। फिर आवश्यकता पड़ी जीरो की तो वह बड़ी पूर्ण संख्या जो जीरो से लगाकर अनंत तक की थी, अर्थात सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। फिर ऋणात्मक आवश्यकता पड़ी, पहले ऋणात्मक आवश्यकता पड़ी तो उसमें तो ऋणात्मक अंक जुड़ गए, जो लेवल के नीचे है संख्या घट जाती है उसको किसमें लिया है, तो ऋणात्मक अंकों की आवश्यकता पड़ी तो ऋणात्मक में पूर्णांक संख्याओं को लिया गया, जिसमें ऋणात्मक अनंत से लगाकर जीरो और फिर धनात्मक, पूर्णांक संख्या ऋणात्मक और धनात्मक होती है। तो सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सारी पूर्ण संख्या है वह जो है पूर्णांक संख्या होती है। फिर भिन्न में आई तो पर में संख्या होगी, किसी संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिखना, लेकिन क्यू नॉट और इक्वल टू जीरो, तो पी क्यू ऋणात्मक पूर्णांक हो, अर्थात किसी संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिखना, भिन्न की सारी संख्या उसके अंदर आ गई। और फिर सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सारी पूर्ण संख्या है वह पूर्णांक संख्या, सारी पूर्णांक संख्या है वह परिमेय संख्या है। फिर कुछ अपरिमेय संख्या आई जिसमें रूट की जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं निकलता है, वह अपरिमेय संख्या हुई। तो और फिर एक अंतिम संख्या का कहा गया वास्तविक संख्या, जो कि परिमेय अपरिमेय मिलकर बनी। अब उसके संबंध में कुछ प्रश्न है, जो प्रश्नावली 1.1 में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से, पहला प्रश्न लिया हुआ कक्षा कार्य, क्या शून्य भी एक परिमेय संख्या है, ऐसा प्रश्न पूछा है, क्या शून्य भी एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे हाँ, क्योंकि जो शून्य है वह पूर्ण संख्या के अंदर आती है और पूर्ण संख्या है वह सारी पूर्ण संख्या है वह परिमेय संख्या है, अर्थात जीरो भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या वो भिन्न के रूप में होती है, तो भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, जीरो जीरो को एक लगा देंगे, एक का भाग दिया तो परिणाम आया जीरो, जीरो को लिख सकते हैं जीरो बटा आठ, आठ का भाग दिया जीरो में परिणाम आया जीरो, अर्थात जीरो को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें ध्यान रखना चाहिए क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू है वह नीचे संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए, आठ बटा जीरो जीरो को भाग देंगे आठ में, ऐसा परिणाम संभव नहीं है, माइनस नौ बटा जीरो जीरो का भाग माइनस में देना असंभव है, अपरिभाषित संख्या है, परिभाषित संख्या है जिसको ज्ञात नहीं किया जाता, अर्थात जीरो जो है वह नीचे हर में नहीं होना चाहिए। यह था पहला प्रश्न, तो इस प्रकार से इसका परिणाम लिखना। दूसरा प्रश्न जो कि इस प्रकार से है, तीन और चार के बीच छह परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना, तीन और चार, तो तीन और चार के बीच जब हम देखते हैं तो एक का ही अंतर है, लेकिन अपने को छह संख्याएं जो बट्टों में इन दोनों के बीच में अपने को ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करते हैं, तो छह परिमेय संख्या के लिए छह पूछा है तो उसमें एक जोड़ देंगे तो अंक कितना हो गए सात। अब आपको करना क्या है, तीन को लिखना है तीन बटा एक, तीन को क्या लिखना है तीन बटा एक, अपने को पता है तीन बटा एक का मतलब क्या है तीन, क्योंकि एक का भाग तीन में देखिए क्या आएगा तीन आएगा, मतलब तीन को लिख सकते हैं तीन बटा एक के रूप में भी अपन इसको लिख सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, क्योंकि अपना परिणाम सात आया था तो ऊपर नीचे सात का गुणा करेंगे, तो सात तीन का सात से गुणा इक्कीस और एक का सात से गुणा तो सात, अब सात का भाग इक्कीस में देखिए कितना हो गया तीन, अर्थात इस तीन को अपने इक्कीस बटा सात के रूप में लिखा है, तुल्य भेद के रूप में लिखा है, और क्योंकि सात का भाग इक्कीस में देने का परिणाम कितना आ रहा है तीन, अर्थात तीन ही को इक्कीस बटा सात। इसी प्रकार क्या करते हैं, चार को लिखते हैं चार बटा एक, एक का भाग चार में देखा चार, चार को लिखने का क्रम चेंज किया, फिर अपने को चाहिए सात, तो सात का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो सात सौ अट्ठाईस और एक का गुणा करने पर कितना आ गया सात, अट्ठाईस में सात का भाग देने पर कितना आता है चार, अर्थात अट्ठाईस को ऊपर सात बटा चार के रूप में लिख सकते हैं, चार का चार, तो तीन को लिख सकते हैं इक्कीस बटा सात, चार को लिख सकते हैं अट्ठाईस बटा सात,
नीचे सात तो क्या है, समान है, वो 21 और 28 के बीच में अंतर है। वो अंतर किस प्रकार से है, 21 बटा सात, 21 28 के बीच में क्या आ रहा है, 22 23 24 25 26 27 है, और सबके नीचे क्या लिख देंगे, सात। तो 21 बटा सात का मतलब 3, 28 बटा सात का मतलब क्या हुआ, 4, और इसके बीच में संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, अर्थात इन दोनों के बीच में जो है 6 संख्या है, और 6 परिमेय संख्या आता है बट्टों में है, इसको 3/3 और 4 के बीच में अपन 5 6 संख्या इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 3 जो कि इस प्रकार से है, 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसके बीच में कितनी ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्या, क्योंकि पहले जो थी वो 3 और 4 थी जिसमें बट्टे का परिणाम नहीं था, लेकिन यहाँ पर संख्या बट्टे में दिखी, तो दी गई संख्या में हर समान है, बट्टे में दी गई संख्या 5 है, वह जैसे नीचे 5 और 5 दी गई, बट्टे में 5 क्या है, समान है, अर्थात इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन होने की आवश्यकता नहीं है। तो और 5 परिमेय संख्या के लिए अपने को पता है 5 ज्ञात करने इसका मतलब उसमें एक और जोड़ना है, तो 5 एक जोड़ते कितना हो गया 6, तो अंक लेना है अपने को 6। अपने पास संख्या कितनी है, 3/5, 3/5 अपन ऊपर नीचे क्या गुणा करते हैं, 6 का, तो 36 18 और 36 30 18 और 30 ये संख्या अपने को जो है यहाँ पर प्राप्त हो गई। और 4/5 होगा 6 को गुणा किया 24 और 56 30। अब इसको वापस सर भिन्न करेंगे, 6 का भाग देंगे तो 3 और 6 का भाग देंगे 5, 6 का भाग देंगे 4 और 6 का भाग देंगे तो 5, अर्थात इसको 3/5/4/30 लिखा हुआ है और 4/5/24/30 लिखा हुआ है, संख्या वह इतनी है जो आगे दी हुई, इसको तुल्य भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, ये इसकी तुल्य भिन्न है। अब आप यहाँ पर देखते हैं 30 और 30 क्योंकि हर तो क्या है, समान है, ऊपर देखिए 18 और नीचे कितनी है 24, तो 18 और 24 के बीच में अंतर है, तो 18/30 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 और 24/30 इसके बीच में है 5 संख्या होगी, 1 2 3 4 5, ये 5 ही संख्या है जो 18/30 का मतलब है 3/5 और 24/30 का मतलब है 4/5, इन दोनों के बीच में यह कुल है वह 5 संख्या इस प्रकार से इसमें लिखी गई है। तो अपन किसी संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या को इस रूप में अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं इनके संबंध में कुछ ग्रह कार्य के प्रश्न। तो आज के वीडियो क्रमांक 2 का ग्रह कार्य प्रश्नावली 1.1 का कुछ सेकंड नंबर ग्रह कार्य ग्रह क्रमांक 2 जो इस प्रकार से है, 7 और 9 के बीच में 4 परिमेय संख्या लेनी है, लेकिन अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है 7 और 9 के बीच में 1 का अंतर ऑलरेडी दिया हुआ है, अर्थात आपको जो उसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा ही अपन गुणा करके उसको परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार दिया हुआ 4/6 और 5/6 के बीच में 3 परिमेय संख्या लगी है, जो कि अपना अपष्ट क्रमांक दूसरा तो था, उस विधि से अपन आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें आएगी। अब आपको आदर्श शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। धन्यवाद।